जिस तरीके से कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है और जल्द से जल्द ये मीठा कब होगा जानना चाहेंगे। जी सर, अब जिस तरीके से आपका सरकार से क्या आग्रह रहेगा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं, यदि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले जो कैबिनेट की बैठक होती है तो इसमें मोहर लग जाती है, क्या आपकी धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया जाएगा? सबसे पहले सर आपका धन्यवाद करते हैं हम कि आपने हमारे मुद्दे को जिंदा रखा। दूसरा, हम सब कम्युनिटी के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अग्निहोत्री जी का, समस्त कमेटी के मंत्रिमंडल के सदस्य सभी का, हम सभी पोस्ट कोड की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और इस फैसले का स्वागत करते हैं। साथ ही में हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि COC लगने से पहले जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें हम माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, समस्त कमेटी के समस्त सदस्य, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अग्निहोत्री जी से हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि सर आप हमारे काम को COC लगने से पहले अगर आप फाइनल मोहर लगा देते हैं तो हम हंसी खुशी से इधर से जाने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, हमारे बीच अन्य युवा भी। जी सर, आपका शुभ नाम और कब से आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और कितने लोग लगातार रोजाना यहाँ पर धरना प्रदर्शन में रहते हैं? मेरा नाम लवनीश वर्मा है सर। यहाँ पे रोजाना 50 से 100 लोग प्रेजेंट रहते हैं और हम यहाँ पे पिछले 20 दिनों से बैठे हुए हैं सर। और इस पोस्ट को, ये पोस्ट कोड अब बहुत टाइम से, जब से कांग्रेस की सरकार बनी थी, इसकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो सब कमेटी की फॉर्मेशन करी, उसकी जो रिपोर्ट हमारे फेवर में आई है, तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द कैबिनेट में इसमें फाइनल मोहर लगेंगी और हमारी प्रोसेस स्टार्ट होगी। और अब हम धन्यवाद करना चाहते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जो कि उस कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन थे मुकेश अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हमारा साथ दिया और एक मात्र एक मीटिंग में हमारे हक में फैसला दिया। जी बिल्कुल, यदि देखा जाए चाहे आज के क्षेत्र में चाहे महिला भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के मिलते, चाहे वो धरना प्रदर्शन या अन्य किसी विभाग, हमारे बीच कुछ महिलाएं इनसे भी जाना चाहेंगे। जी मैम, आप भी इस धरने में कब से लगातार बैठे हो और इसके अलावा कितने रोजाना युवतियां जो इस धरना प्रदर्शन में रोजाना थे? सर, हमारा ये धरना 9 फरवरी को शुरू हुआ था जब कैबिनेट की मीटिंग थी और वहाँ पे सेक्रेटरिएट के बाहर हमने एक रात गुजारी थी जो बिना छत के गुजारी थी, तो उसमें भी कम से कम 50 लड़कियाँ वहाँ पे पूरी रात रुकी थी। और उसके बाद से जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो कंटिन्यू लड़कियाँ भी यहाँ पे उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है जितना लड़के कर रहे हैं रोज, मतलब 15-20 लड़कियाँ तो आती है रेगुलर। और हम ये इसीलिए यहाँ आ रहे थे क्योंकि हमें उम्मीद थी कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, क्योंकि हम उनके अगेंस्ट नहीं बैठे थे, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, हमें वैसे ही 4 साल हो चुके हैं और इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते अब, क्योंकि हमारी एज भी ज़्यादा हो रही है। तो हमारी रिक्वेस्ट थी और हम इस चीज़ के लिए खुश भी है कि जो हमारी एक कमेटी बनाई थी उसने एक ही मीटिंग में हमारा डिसीजन ले लिया और हमारे फेवर में डिसीजन लिया है, तो उसके लिए हम थैंक यू बोलना चाहेंगे मुकेश अग्निहोत्री जी का कि उन्होंने एक ही मीटिंग में हमारा फैसला ले लिया और हमारे फेवर में फैसला दिया है। और अब हम कैबिनेट में मतलब उम्मीद रखते हैं कि आने वाली कैबिनेट में हमारा ये मैटर जरूर सॉल्व हो जाएगा और हमारे जो प्रोसेस है उसको रिज्यूम किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं, 12 से 15 के बीच कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लगा रख सकता है, ऐसे में जो खासकर जो ये लास्ट आखिरी जो कैबिनेट की बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि इसमें पूरा मोहर लग जाता है तो कहीं ना तो कहीं जो धरना प्रदर्शन लगा था जो एक माह से जारी था वो कहना तो कहीं समाप्त हो गया। जी सभी लोगों का जागो मंचल से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।